हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ी सी मूंगफली की गिरी, थोड़ी सी बादाम, थोड़ा सा काजू, सब रोस्ट कर रही हूँ शुद्ध देसी घी में, क्योंकि इनका आज है व्रत, मंगलवार है तो इनका व्रत है। तो ये पीछे से खा लेंगे और चाय भी देखिए साथ साथ बन गई है। तो चाय एक तरफ मतलब दे दूँगी इनको और ये भून कर रख लूँगी, जब भी नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे तब ये मतलब खा लेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, पूजा पाठ हो गई है और स्कूल में हो गई है छुट्टियाँ शुरू, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी को देखते हुए ना गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइंस है ना, उसका पालन हर स्कूल को करना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छोटे बच्चों के स्कूल बंद होने चाहिए। तो बच्चों के स्कूल बंद ही हो गए हैं, लेकिन हम टीचर्स को भी जाना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे काम होते हैं ना जब बच्चे होते हैं क्लास में तो नहीं कर पाते हैं, तो अपना वर्कशीट वगैरह, पेपर वगैरह जो भी है काम सब निपटाएंगे हम लोग। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं। तो बस देख सकते हैं गर्मी बहुत है, सूट ही पहन रही हूँ आजकल मैं, मेरी ट्रेंड की कुर्ती जिंदाबाद, बहुत सॉफ्ट ट्रेंड की कुर्ती है, मुझे लगती है मतलब इतना कम्फर्टेबल होती है ना कि मैं कोई ट्रेंड की ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल मैं गर्मियों में सारी ट्रेंड की कुर्तियाँ जो मेरे पास थी ना सब निकाल ली हूँ। और देखिए तैयार होते के साथ ही फेस भी पसीना पसीना आ गया है और बहुत ही जल्द ओट डलने वाला है। चाबी ले लेती हूँ, चलती हूँ स्कूल। मैं आ गई हूँ स्कूल से और प्यास लगी थी, पहले पानी पी हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी का सिलवा लिया है गाउन, और ये गाउन ना पहनूंगी तब दिखाऊंगी पूरा लुक आप लोगों को। अभी दिखाऊँ, अभी दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। वैसे तो मीनाक्षी मैम हमारे स्कूल के वही सिलती हैं, बहुत सुंदर सिला उन्होंने, दिखाते हो इस तरह से साड़ी का बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और लेकिन जब मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा ना, जब पहनूंगी तभी पता चलेगा आप लोगों को, अच्छे से दिखने को मिलेगा। और इनका है व्रत तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, तो आज है इनका व्रत, तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ लस्सी। लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी है, थोड़ा पानी डाल ऐड कर, थोड़े समय के लिए आलू बना लेंगे हम, देख सकते हैं देसी घी में। तो आलू और लस्सी खा लेंगे, लंच जैसा हो जाएगा। अभी क्या है कि बड़ा दिन होने लग गया है तो भूख लग जाती है सबको, तो मैंने कहा सबसे पहले इनको दे देती हूँ, फिर कुछ बना के खुद खाते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ अपने लिए, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, सोच लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर बन गई है लस्सी और बन गया है तो आलू, मैं देख सकते हैं मैं डाल ली हूँ लस्सी भी डाल लेती हूँ। वाह, लस्सी भी बन गई है और ये आलू भी बन गया है। तो आलू के ऊपर मैं थोड़ा सा ये टमाटर से लाल हो गया है, काजू है, मूंगफली गिरी है, बादाम है, वो ऐड कर दूंगी, तो ये मतलब थोड़ा सा और हेल्दी बन जाएगा और पेट पूरा भर जाएगा इनका। चलिए मैं देती हूँ, और देखिए कैसे दरवाज़ा बंद करके एसी में सोए हुए हैं, मज़े ले रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, घर के काम निपटाने के बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ, इनको खाना वाना खिला दी, क्योंकि अब व्रत था। और मैं देख सकते हैं ये वाली साड़ी आज पहनी हूँ और जा रही हूँ एनिवर्सरी पर, नीलम भाभी की एनिवर्सरी है और है सुंदरकांड का पार्ट, तो बस मैं चलती हूँ वहीं पर। चलिए चलते हैं वहाँ। Thank you.
मेरा प्रभाई है तो यहाँ पर थी नीलम भाभी जी की एनिवर्सरी और लेडीज और जेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा दोनों लोगों को बुलाया था, क्योंकि ये जो मंडली थी ना ये जेंट्स की थी। तो यहाँ पर मतलब छत पर ही हो रहा था प्रोग्राम, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो गई थी और रात को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।